हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आज हम एनडीए में 2019 का फर्स्ट पेपर करेंगे, जिसमें आपके बायो के क्वेश्चंस होंगे. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट पोसेस न्यूक्लियोइड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट पोसेस न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्या आंसर होगा इसका? न्यूक्लियोलस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, राइबोसोम होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका राइट आंसर है. ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट पोसेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एनकोडिंग प्रोटीन? राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट पोसेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल एनकोडिंग प्रोटीन्स? राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइबोसोम. राइबोसोम इसका राइट आंसर है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स? फाइबर्स, ट्रेकियार्ड्स, पेरिसाइकल या सीव ट्यूब्स? क्या आंसर होगा इसका? फाइबर्स होगा, ट्रेकियार्ड्स होगा, पेरिसाइकल होगा या सीव ट्यूब्स होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरिसाइकल. पेरिसाइकल इसका राइट आंसर है. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वेस्कुलर टिश्यू? क्लेडोफोरा, पेंसिलियम, मेरिसिला या एनोबिना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वेस्कुलर टिश्यू? क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरिसिला. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. ठीक है, एज पर द कोड ऑफ नोमेनक्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम? अमीबा प्रोटस, अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटस या अमीबा प्रोटस? एज पर द कोड ऑफ द नोमन क्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम? इजी क्वेश्चन है. क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीबा प्रोटस. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंसिलिन इज करेक्ट?
पेंसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन स्टोर देयर एंटीबायोटिक इन वैक्यूम। पेंसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एन एंजाइम कॉल्ड बी लैक्टमेज। पेंसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एन एंजाइम कॉल्ड लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। पेंसिलिन इज नॉट एब्जॉर्ब बाय बैक्टीरिया सो मोस्ट बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट। आपने बताना है कि पेंसिलिन से रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बी नहीं होगा, ये बिट्टा लैक्टमेस होगा जो ऑप्शन बी है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंसिलिन इज करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेंसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एन एंजाइम कॉल्ड बीटा लैक्टमेज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। करें आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनल्स ऑफ मेमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनल्स ऑफ मेमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलेरिया इज करेक्ट। कोलेरिया इज अ डिसीज दैट कॉज लॉस ऑफ मेमोरी। कोलेरिया इज अ डिसीज ऑफ मसल्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। कोलेरिया इज अ डिसीज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वॉटर। कोलेरिया इज अ जेनेटिक डिसीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलेरिया इज करेक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलेरिया इज अ डिसीज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेट फूड और वॉटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट पेपर के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2018 के सेकेंड पेपर के साथ। थैंक यू।